नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। कुवैत में लाया गया नया प्रवासी कोटा विधेयक लागू हुआ तो 8 लाख भारतीय वापस आने पर होंगे मजबूर। कुवैत में प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 हुई जारी। स्वीडन पहले जबकि भारत 117वें पायदान पर। देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों की कुल प्रगति पर मापा गया। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट जारी। 2019 में जनरेट हुआ 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट। अर्बन माइन के रूप में भी जाने जाते हैं ई वेस्ट। तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ के बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर। गाइडलाइंस फ्रेम करने की मांग। इससे संबंधित 1987 की UNCAT संधि को भारत ने अभी तक नहीं किया है रेटिफाई। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने दिए लिथियम उत्पादन से जुड़े साक्ष्य। आधुनिक तकनीक में लिथियम का उपयोग आम बात। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ है ऑब्जर्वेशन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खाड़ी देश कुवैत से आ रही खबर भारत के लिए कई मामलों में अच्छी नहीं है। दरअसल कुवैत में नेशनल असेंबली की लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ने एक नए प्रवासी कोटा विधेयक को मंजूरी दी है। अगर यह विधेयक कानून बनता है तो कुवैत में रह रहे बहुत सारे विदेशी नागरिक इस देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वर्तमान में कुवैत की कुल जनसंख्या 4.3 मिलियन है, जिसमें से कुवैती केवल 1.3 मिलियन ही है। बाकी 3 मिलियन जनसंख्या वहां रह रहे प्रवासियों की है। जून 2020 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया था कि कुवैत की जनसंख्या में प्रवासियों की संख्या को घटाकर 70% के मुकाबले 30% पर लाया जाए। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि भारतीय प्रवासियों की संख्या को घटाकर जनसंख्या का 15% किया जाए। गौरतलब है कि कुवैत की प्रवासी जनसंख्या में भारतीय सबसे ज्यादा हैं। इस मामले में दूसरा नंबर इजिप्ट का है। उनकी संख्या को जनसंख्या के 10% तक लाने की बात की गई है। अगर विधेयक लागू हुआ तो कुवैत में रह रहे 8 लाख भारतीय वापस आने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में भारत में कुवैत से भेजा गया रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन $4.8 बिलियन था। इस लिहाज से कुवैत से यदि भारतीय वापस आने लगे तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। दुनिया को कोरोना महामारी की सौगात देने के बाद चीन अब भारत के अलावा अपने अन्य पड़ोसियों को भी जमीन के रास्ते आंखें दिखा रहा है। शुरुआत करते हैं भूटान के साथ चीन के मसले से। GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की ऑनलाइन मीटिंग के दौरान चीन ने साकतेंग वाइल्डलाइफ सेंचुरी के प्रोजेक्ट पर एतराज जताया। चीन के प्रतिनिधि ने दावा किया है कि यह सेंचुरी चीन और भूटान के विवादित क्षेत्र में स्थित है। भूटान द्वारा चीन के दावे को नकार दिया गया और GEF ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड को मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं रूस और चीन के मुद्दे की। रूस के सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक शहर ने 2 जुलाई को अपनी स्थापना के 160 साल पूरे किए थे। इस सेलिब्रेशन की चीन के नागरिकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आलोचना की। चीन के लोगों ने दावा किया कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर चीन का था। हालांकि ये दावे चीन की सरकार ने आधिकारिक तौर पर नहीं किए हैं। गौरतलब है कि 1856 से 1860 के बीच दूसरे अफीम युद्ध के दौरान रूस ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। साल 2008 में चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच सिनो रशियन लाइन बॉर्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे। विशेषज्ञों का दावा है कि व्लादिवोस्तोक का मुद्दा इस वार्ता में कहीं नहीं था, जिससे पता चलता है कि चीन इसे विवादित क्षेत्र के तौर पर नहीं मानता। अब बात हाल ही में चर्चा में रहे चीन और जापान के सीमा विवाद की करते हैं। जापान के कोस्ट गार्ड के मुताबिक चीन के जहाज जापान के नियंत्रण वाले सेनकाकू द्वीप के टेरिटोरियल वाटर में 4 किलोमीटर तक घुस आए थे। इस पर जापान ने कूटनीतिक प्रतिरोध जताया था। चीन और जापान दोनों ही इस द्वीप पर दावा करते हैं, जबकि 1972 से यह द्वीप जापान द्वारा प्रशासित है। बीते दिनों PCA यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने मार्च 2012 में इटली के 2 नाविकों द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के सिलसिले में डिसीजन आया है। PCA के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत इटालियन मरीन्स को राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए इनके ऊपर भारत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इन पर इटली में
आपराधिक जांच की प्रक्रिया चलाई जाएगी। इसके लिए इटली ने पहले ही प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में भारत मुआवजे का हकदार है। पीसीए ने भारत और इटली को देय मुआवजे की राशि पर विचार करने के लिए भी कहा है। इटली 2015 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आने वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द सी के पास इस मामले को लाया था। बाद में इस मामले को जुलाई 2019 में पीसीए द्वारा सुना गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना पहले हेग शांति सम्मेलन के दौरान 1899 में की गई थी। इसे नीदरलैंड के हेग में स्थापित किया गया। पीसीए मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण साधनों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए मंच प्रदान करने वाला पहला स्थायी अंतर सरकारी संगठन था। हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग के स्वतंत्र विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार की गई। रिपोर्ट में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड दिया गया है। एसडीजी इंडेक्स में देशों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर रैंक दी गई है, यानी कि देशों की सभी 17 एसडीजी को पाने की दिशा में कुल प्रगति को मापा गया है। इस इंडेक्स में स्वीडन पहले पायदान पर रहा, जबकि भारत को इंडेक्स में 117वीं रैंक हासिल हुई, जो कि पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड 19 के चलते आय असमानताओं में गंभीर रूप से बढ़ोतरी हुई है। एसडीजी और 6 एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन मानक कोविड 19 से रिकवरी में सहायक होंगे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्रीय संगठनों और देशों के लिए एसडीजी को नीति निर्धारण के केंद्र में रखना अहम होगा। आइए रिपोर्ट में जिक्र किए गए 6 एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन मानकों की चर्चा कर लेते हैं। एसडीजी का ट्रांसफॉर्मेशन 1 शिक्षा लिंग और असमानता से, तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 स्वास्थ्य कल्याण और जनांकिकी से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मेशन 3 में ऊर्जा डी कार्बोनाइजेशन और सतत उद्योग को, तो ट्रांसफॉर्मेशन 4 में सतत खाद्य भूमि जल और महासागर को रखा गया है, जबकि सतत नगर और समुदाय ट्रांसफॉर्मेशन 5 के साथ, तो सतत विकास के लिए डिजिटल क्रांति की धारणा ट्रांसफॉर्मेशन 6 से जुड़ी है। हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इसे GESP यानी ग्लोबल ई वेस्ट स्टेटिस्टिक्स पार्टनरशिप के द्वारा जारी किया गया था। GESP को यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर बनाया है। इस साल की रिपोर्ट में WHO और जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी योगदान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ, जिसमें से महज 17.4% ई वेस्ट को ही आधिकारिक तौर पर कलेक्ट और रिसाइकिल किया गया। 2019 में एशिया में सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट हुआ, साथ ही दक्षिण एशिया में भारत इकलौता देश है जहां पर ई वेस्ट के लिए कानून है। रिपोर्ट में ई वेस्ट को अर्बन माइन कहा गया है, क्योंकि इसमें कई तरह की कीमती और ज़रूरी धातुएं शामिल होती हैं, जिन्हें रिसाइकिल करके सेकेंडरी मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जब उनके ऑनर द्वारा इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है और वे दोबारा इस्तेमाल का इरादा भी नहीं रखते, तो ये मटीरियल ई वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इस ई वेस्ट को सही ढंग से हैंडलिंग न होने से पर्यावरण के लिए यह बड़ा खतरा बन जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी को पुनर्गठित किया है। अब इसमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली से एक विशेषज्ञ और एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को शामिल किया जा रहा है। CZA एक सांविधिक संस्था है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत साल 1992 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित किया गया था। पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अलावा इसमें 10 सदस्य और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होते हैं। CZA जानवरों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में स्थानांतरण के लिए गाइडलाइंस बनाती है। इसके अलावा यह देश भर के चिड़ियाघरों के नियमन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। चिड़ियाघरों को मान्यता देने या रद्द करने का काम भी CZA के पास है। जंगली जानवरों की इंडेंजर्ड स्पीशीज की पहचान करके उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए किसी चिड़ियाघर को जिम्मेदारी देने का अधिकार भी CZA को दिया गया है। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में हुए कस्टोडियल डेथ और देश में इसी तरह के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई है। PIL में सुप्रीम कोर्ट से
पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों, टॉर्चर और बलात्कार को रोकने के लिए गाइडलाइंस फ्रेम करने की मांग की गई है। PIL में जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने की बात कही गई है। इसके मुताबिक पुलिस कस्टडी में हो रही इन मौतों ने एक टूटी हुई आपराधिक न्याय व्यवस्था की परतों को उजागर किया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि देश एक भयानक अतीत से निकल कर आया था, इसीलिए हमें अपने संविधान से आधारभूत अधिकार मिले। इन अधिकारों में भी सबसे महत्वपूर्ण है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन हम अपने देश की पुलिस के औपनिवेशिक रवैये को पूरी तरह नहीं बदल सके। PIL ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों को शामिल किए हुए है। इसमें NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2017-18 की सालाना रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक NHRC को जुडिशियल कस्टडी में 1636 और पुलिस कस्टडी में 148 मौतों की सूचना मिली। आपको बता दें कि 1987 की UNCAT यानी UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट को भारत ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। 14 अक्टूबर 1997 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन रेटिफाई नहीं किया। UNCAT वैश्विक स्तर पर टॉर्चर और ऐसे ही हिंसक और गैर मानवीय सजाओं को रोकने के लिए काम करती है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को दिसंबर के अंत तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ऐसा करने के लिए आफ्सपा 1958 की धारा 3 के तहत मिलने वाली शक्तियों का प्रयोग किया गया है। 6 महीने की अवधि के लिए लगाया गया यह नियम 30 जून से प्रभावी हो गया है। नागालैंड में लगभग 6 दशकों से आफ्सपा बराबर लागू ही है। आफ्सपा यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए 1958 में लाया गया था। AFSPA सशस्त्र बलों को तलाशी और गिरफ्तारी के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्तियां देती है। आपको बता दें कि अशांत क्षेत्र वह है जिसे आफ्सपा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पूरे या किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वर्तमान में असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में पूरी तरह आफ्सपा लागू है, जबकि इम्फाल के म्युनिसिपल क्षेत्रों को छोड़कर शेष मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आफ्सपा लागू है। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सब स्कीम के तौर पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार के फंड से निर्मित खाली पड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में तब्दील किया जाएगा। शुरुआती तौर पर 3 लाख अभ्यर्थियों को कवर किया जाएगा। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। योजना का मकसद कृषि क्षेत्र में अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में सुधार लाना है। 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपये के कैपिटल इन्फ्यूज़न को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में अनाज और दालों का वितरण नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कोरोना से प्रभावित गरीबों और वल्नरेबल क्लास के लिए एक सुरक्षा नेट है। EPF कॉन्ट्रीब्यूशंस को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से EPF में योगदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने AV यानी एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की। योजना का मकसद देश भर में रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और वर्कशॉप्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। योजना के जरिए वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देकर वैज्ञानिक मानव बल को तैयार करना है, जिससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था निर्मित हो सके। योजना के 2 प्रमुख कॉम्पोनेंट हैं, अभ्यास और समूहन। अभ्यास में कार्यशाला और वृत्तिका शामिल हैं, वहीं समूहन में संगोष्ठी और संयोजिका। कार्यशाला में भारत के प्रीमियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट मसलन IIT, IISc, NIT आदि में विशेष थीम्स पर वर्कशॉप्स आयोजित किए जाएंगे। वृत्तिका में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के प्रतिभाशाली छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। संयोजिका में इवेंट ऑर्गेनाइजर विज्ञान आधारित इवेंट का आयोजन कराने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। संगोष्ठी में सेमिनार और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं।
संगोष्ठी को सर्ब द्वारा पहले से ही आयोजित किया जा रहा है। सर्ब एक सांविधिक संस्था है, यह नेशनल रिसर्च फंडिंग एजेंसी के तौर पर कार्यरत है। हाल ही में IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने लिथियम उत्पादन से संबंधित साक्ष्य दिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कम द्रव्यमान वाले सूर्य जैसे तारों में हीलियम कोर जलने के चरण के दौरान लिथियम उत्पादन स्वाभाविक घटना है। इस ऑब्जर्वेशन को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित किया गया है। IIA भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। गौरतलब है कि हल्की ज्वलनशील धातु लिथियम ने आधुनिक संचार उपकरणों और परिवहन को पूरी तरह बदल दिया है। आधुनिक तकनीक में लिथियम का उपयोग एक आम बात हो गई है। अभी तक लिथियम की सबसे बड़ी उत्पत्ति बिग बैंग की घटना के समय को ही माना जाता है। लगभग 13.7 अरब साल पहले हुए बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। तब से ब्रह्मांड में लिथियम में बस 4 गुना की वृद्धि ही हुई है, जबकि अन्य तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, निकेल उस समय से लाखों गुना बढ़े हैं। बड़े पैमाने पर इन तत्वों की बढ़ोतरी तारों में विस्फोटों से हुई है, जबकि सूर्य जैसे तारों में लिथियम उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के संबंध में नासा ने एक नया अध्ययन पब्लिश किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक नासा के LRO यानी लूनर रिकॉनसेंस ऑर्बिटर को कुछ नए प्रमाण मिले हैं। इसमें पाया गया है कि अभी तक प्राप्त जानकारी की तुलना में चंद्रमा के सब सरफेस पर लोहे और टाइटेनियम जैसी धातुओं की मात्रा काफी अधिक है। यह नई जानकारी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के कनेक्शन को समझने में मददगार साबित होगी। चंद्रमा के ओरिजिन के बारे में समझने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से चंद्रमा के मेटल डिपॉजिट्स की तुलना पृथ्वी से करते रहे हैं। LRO में लगे मिनी RF यानी मिनिएचर रेडियो फ्रिक्वेंसी ने एक मेटेलिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व किया था। चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ की खोज के दौरान मिनी RF ने उत्तरी ध्रुव की लूनर सॉयल में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मापा। इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी यानी भेद्यता और निर्वात की परमिएबिलिटी का रेशियो होता है। डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का सीधा संबंध धातुओं की उपस्थिति से है। नासा ने इस नई जानकारी पर आगे रिसर्च शुरू कर दी है। हाल ही में इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस की इमेज ली। इमेज में फोबोस के सबसे बड़े क्रेटर स्टिकनी और रोशे गिल्ड्रिक भी दिख रहे हैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस मंगल का सबसे बड़ा और नजदीकी चंद्रमा है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है। 17 अगस्त 1877 को असेफ हॉल ने इसकी खोज की थी। दूसरी तरफ फरवरी 2020 में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने भी फोबोस के लिए एक मिशन MMX की घोषणा की थी। MMX यानी मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन को 2024 में लॉन्च करने की बात कही गई है। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को इसरो ने लॉन्च किया था। 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर सर्किल के शिवालिक वन को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव जल्द ही राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को आगे बढ़ाई जाएगी। बाघ अभयारण्य घोषित करने से इस क्षेत्र में बढ़ते मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सकेगा, साथ ही इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के पोषण में भी मदद मिलेगी। यह वन शिवालिक रेंज की तलहटी में स्थित है। 33,220 हेक्टेयर लंबे गलियारे का निर्माण करने वाला यह वन 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 बाघ अभयारण्य बिजनौर के अमनगढ़, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में दुधवा में हैं। हालांकि अमनगढ़ उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का बफर जोन माना जाता है। आपको बता दें कि देश में बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 1973 में 9 बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए थे। वर्तमान में बाघ अभयारण्य की संख्या 50 हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत बाघ क्षेत्रों द्वारा कुल 71,027.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया है। असम सरकार ने देहिंगपटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहिंगपटकाई वन्यजीव अभयारण्य देहिंगपटकाई हाथी अभयारण्य के भीतर स्थित है। इसका विस्तार डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर के कोयला और तेल समृद्ध जिलों में है।
दरअसल कुछ महीने पहले ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने कोल इंडिया लिमिटेड को देहिंग पटकाइया हाथी अभयारण्य में कोयला खनन परियोजना की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में काफ़ी तनाव का माहौल रहा है। वन्यजीव अभयारण्य ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों को पूर्ण संरक्षण का दर्जा मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। देहिंग पटकाई को 1995 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का पहला प्रस्ताव आया था। इसे 2004 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। वर्तमान में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में ऊपरी देहिंग, जोयपुर और दीरक अभयारण्य के कुछ हिस्से शामिल हैं। तत्काल में असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू सैखोवा है। भारतीय रेलवे ने निजी क्षेत्र को ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्रियों ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की यह पहली पहल है। इससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए निवेश होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन में निजी भागीदारी के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस को आमंत्रित किया है। इसमें 109 से भी अधिक मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इस पहल का मकसद आधुनिक प्रौद्योगिकी को रेलवे में बढ़ाना है, साथ ही इससे यात्रा समय में कमी, नौकरी की संख्या में वृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव देना और यात्री परिवहन क्षेत्र में मांग की आपूर्ति की कमी को दूर करना भी इसका मकसद है। निजी क्षेत्र गाड़ियों के वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। इन्हें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया जाएगा। परियोजना के लिए रियायत अवधि 35 वर्ष होगी और निजी संस्था भारतीय रेलवे को वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क, निर्धारित शुल्क और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करेगी। इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ही ड्राइवरों और गार्डों द्वारा संचालित किया जाएगा। विवेक देवरॉय समिति ने निजी क्षेत्र द्वारा ट्रेन चलाने की अनुशंसा की थी। आपको बता दें कि इस लिहाज से पहले ही भारतीय रेलवे के बजाय सार्वजनिक लोक उपक्रम IRCTC दिल्ली लखनऊ तेजस, मुंबई अहमदाबाद तेजस और काशी महाकाल एक्सप्रेस को चला रहा है। हाल ही में CBIC द्वारा CRCL यानी केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में शामिल किए गए नए और आधुनिक परीक्षण उपकरणों को दिखाया गया। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक इन उपकरणों से सीमा शुल्क विभाग की आंतरिक परीक्षण क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इनके उपयोग से पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा तेजी से आयात और निर्यात क्लियरेंस संभव हो पाएगा। इसके साथ ही CBIC के कार्यक्रम तुरंत कस्टम्स के तहत कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स में आवश्यक सहयोग देने के लिए IT संबंधी नई सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया। इन सुविधाओं से निर्यातक ICEGATE यानी इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के जरिए अपने बैंक खाते एवं AD कोड यानी ऑथराइज्ड डीलर कोड में परिवर्तनों का खुद ही प्रबंधन कर सकेंगे। इसके साथ ही सीमा शुल्क अधिकारी से संपर्क किए बिना ही आइस गेट पर पंजीकरण भी करा सकेंगे। और आइए अब मैप वाले सेक्शन पर एक नजर डालते हैं। बात करते हैं जापान की। जापान प्रशांत महासागर में स्थित एशियाई देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। 4 प्रमुख और कई छोटे द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम इस तरह है: होकाइडो, होनशु, शिकोकु, क्यूशु। क्षेत्रफल की दृष्टि से होनशु सबसे बड़ा है, इसके बाद होकाइडो, क्यूशु और शिकोकु का स्थान आता है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी होनशु द्वीप पर ही स्थित है। सुगारु जलसंधि होनशु को होकाइडो द्वीप से अलग करती है। जापान के उत्तर में सी ऑफ ओखोटस्क, पश्चिम में सी ऑफ जापान, वहीं दक्षिण पश्चिम में ईस्ट चाइना सी है। सुशीमा जलसंधि ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को जोड़ती है। आज हम आपको बोत्सवाना के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हाथियों की मौत के चलते यह देश चर्चा में है। आपको बोत्सवाना से जुड़ी जरूरी जानकारियां कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगले बुलेटिन में हम आपको बोत्सवाना से सीमा साझा करने वाले देश
और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातों से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtis.com पर। साथ ही दृष्टिएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। इसे शेष नाग नाम दिया गया है और यह भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। चार ट्रेनों को मिलाकर बनाई गई इस ट्रेन को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नागपुर और कोरबा के बीच चलाया गया। अमेरिका ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते यानी नाफ्टा के रीनेगोशिएशन में मेक्सिको और कनाडा के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते को USMCA यानी US मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट नाम दिया गया है। यह समझौता उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के श्रमिकों, किसानों, खेत और व्यवसायों के लिए फायदेमंद होगा। विश्व बैंक और भारत सरकार ने MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता COVID-19 संकट से गंभीर रूप से प्रभावित MSMEs को वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है। इस नई MSME परियोजना के साथ विश्व बैंक अब तक भारत की आपातकालीन COVID-19 प्रतिक्रिया के लिए $2.75 बिलियन दे चुका है। मालदीव और श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले पहले दो देश बन गए हैं। इसका सत्यापन WHO द्वारा किया गया। अगर किसी देश में 3 वर्षों से खसरा और रुबेला वायरस के लोकल ट्रांसमिशन का कोई सबूत नहीं मिलता तो उसे इन बीमारियों से मुक्त घोषित किया जाता है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने खसरा और रुबेला के उन्मूलन का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया है। इसके अलावा भूटान, DPR, कोरिया और तिमोर लेस्ते ने खसरे को खत्म किया है। हाल ही में जारी विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अफीम जब्त करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर रहा। UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन जब्ती में भारत दुनिया में 12वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत से जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली अपनी तीसरी बातचीत को सार्वजनिक किया है। 5 अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद से संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर भारत से बातचीत कर रहा है। इसमें कथित रूप से बल के अत्यधिक उपयोग, गिरफ्तारी और बंदियों के दौरान बुरे बर्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव या सजा या मनमानी तरीके से जेल भेजना, अल्पसंख्यक मुद्दों और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा कंपनियों को उनके द्वारा जारी किए गए टर्म लोन के पुनर्भुगतान पर 3 महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज लगेगा। ब्याज सहित भुगतानों की रीशेड्यूलिंग NPA में शामिल नहीं की जाएगी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह की बर्फीली घाटी कोरोलेव क्रेटर का वीडियो जारी किया। यह वीडियो मंगल ग्रह से ESA के सैटेलाइट द्वारा अब तक भेजी गई इमेजेस का संग्रह है। यह सैटेलाइट 2003 में ESA के मार्स एक्सप्रेस मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। कोरोलेव क्रेटर मंगल के उत्तरी लो लैंड्स में स्थित है। यह 82 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 1 मील गहरा है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सशस्त्र बलों के महानिदेशक से विंटर डीजल के अनुमोदन के लिए मंजूरी मांगी है। इससे उम्मीद बंधी है कि भारतीय सशस्त्र बल जल्द ही हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में विंटर डीजल का प्रयोग कर सकेगा। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में सर्दियों में तापमान बहुत कम रहता है, ऐसे में सामान्य डीजल का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता। विंटर डीजल एक विशेष ईंधन है जिसे पिछले साल IOCL ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसे -30 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान पर भी उपयोग में लाया जा सकता है। WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और लोपिनेविर राइटोनेविर के सॉलिडेरिटी ट्रायल को बंद करने की सिफारिश मान ली है। दरअसल इन दवाओं के COVID-19 उपचार में खासा फायदेमंद न होने के कारण सॉलिडेरिटी ट्रायल की इंटरनेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने WHO से यह सिफारिश की थी। WHO द्वारा सॉलिडेरिटी ट्रायल की स्थापना अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए एक प्रभावी COVID-19 उपचार खोजने के लिए की गई थी।
भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना की जल्द शुरुआत की संभावना जताई है। यह परियोजना भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से शुरू की गई है। इससे सालाना लगभग 25 लाख यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। भारतीय रेलवे का यह कदम 2030 तक रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक है। बीते दिनों चीनी क्षेत्र के आंतरिक मंगोलिया के एक अस्पताल ने संदिग्ध बुबोनिक प्लेग का मामला दर्ज किया है। मध्य युग में ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाने वाला बुबोनिक प्लेग एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी ज्यादातर चूहे गिलहरी जैसे रोडेंट्स यानी कृंतकों द्वारा फैलती है। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय AICTE और CSIR की संयुक्त पहल है। दवा खोज प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाली यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है। हैकाथॉन में दुनिया के किसी भी हिस्से से प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। इससे इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित किया जा सकेगा। हाल ही में NMPB यानी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और ICAR NPBGR यानी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका मकसद औषधीय एवं सुगंधित पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसके लिए राष्ट्रीय जीन बैंक में दीर्घकालिक भंडारण मॉड्यूल में ICAR NPBGR के सुझाए गए स्थान पर संरक्षण किया जाएगा। समझौते के मुताबिक NMPB के सदस्यों को पादप जर्म प्लाज्म के संरक्षण की तकनीकों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।